फिरोजाबाद सदर क्षेत्र में बीजेपी नगर विधायक ने आज बड़ा बयान देकर एआरटीओ प्रदीप कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि फिरोजाबाद जिले में प्रदीप कुमार एआरटीओ के पद पर तैनात हैं। फोर व्हीलर और बड़े वाहनों की गाड़ियों को फिटनेस के नाम पर अवैध उगाही और दलालों को ऑफिस में स्थापित किया गया है। एआरटीओ की कारगुजारियों को लेकर नगर विधायक मनीष असीजा ने सरकार से मांग की थी कि ऐसे अफसरों की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। एआरटीओ की शिकायत विधायक ने एक पत्र के माध्यम से शासन को भेज कर की है। देखिए, आरटीओ महोदय की शिकायतों में जो प्रमुख शिकायतें हैं वो ये हैं कि उन्होंने एक दलाली का तंत्र विकसित किया है, जिसमें कि अगर कोई उस तंत्र के माध्यम से नहीं आता है तो उसकी छोटी बड़ी कमियां निकाली जाती हैं, और अगर वो दलाली के तंत्र से आता है तो फिर वो उसकी कमियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में इतनी संवेदनशील सरकार है कि जैसे ही शिकायतें आईं तो हमने स्पेसिफिक शिकायतें, देखिए किसी भी अधिकारी के ऊपर उंगली उठाना अपने आप में ठीक नहीं है कि भी हम यूँ ही कह दें कि ये गलत है, लेकिन हमने उसमें ट्रकों के नंबर दिए हैं, इनके जो तंत्र चलते हैं उस तंत्र को भी हमने टेलीफोन बताया है, और इसके कारण से तत्काल शासन स्तर पर इनकी जांच भी आई है। और हम ये बात आपके चैनल के माध्यम से कह सकते हैं कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की सरकार है। यदि कोई अधिकारी किसी कारण से अपने पद से भटकता है तो उसको किसी भी कीमत पर शासन पद्धति में भारतीय जनता पार्टी संगठन, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और हमारे शासन के मुखिया के नेतृत्व में किसी भी स्तर पर उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। सर, आपके द्वारा एक लेटर के माध्यम से शासन को भी लिखा गया है, किस तरीके की कार्रवाई की मांग की गई है? देखिए, हमने जो की है वो जांच की मांग की है। जांच की मांग से पहले हमने भी थोड़ी जांच कर ली। जब पता लगा कि इन ट्रकों के जो जिस प्रकार से प्रमाण पत्र वगैरह दिए हैं उसमें संभावना है कि कोई काम गलत हो सकता है, तो हमने उसकी जाँच की मांग करी है। और जाँच निष्पक्ष होगी और जो भी बात होगी दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। सर, आपने भी कुछ जांचें की हैं तो उसमें क्या निकल गया है? ऐसा प्रतीत होता है संदिग्ध कुछ? हाँ, इनका जो आचरण है, इनकी शिकायतें आई हैं तभी तो हमने करी। हमारा तो ना तो कोई ट्रांसपोर्ट है, ना कोई हमारा ट्रक है, ना कोई हमारी बसें हैं। हमको तो जब ये शिकायतें लगातार आई तो हमने इनको उन चीज़ों को पूछा और उसको अपने शासन में दिया।